कसौली को बनाया जाएगा टूरिस्ट हब, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए परोसे जाएंगे हिमाचली व्यंजन, कसौली में बनाया जाएगा लंदन ब्रिज, पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए किया जा रहा है काम। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने आज दी यह जानकारी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कसौली को टूरिस्ट हब बनाए जाने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यटक आकर्षित हों और कसौली की आर्थिकी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और एक स्ट्रैटेजी के तहत हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्लानिंग जो है वो पूरे रूप से तैयार नहीं है, पर जो समस्या है वो सड़क की ट्रैफिक जैम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और स्पेशली अगर कसौली की तरफ आप आ रहे हैं, कसौली में बहुत बड़ा जाम लगता है। उससे पहले मैं जो ये ब्रिज है उसके ऊपर भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी मंडे को मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद वेनेसडे को भी एक मीटिंग है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो कई चीज़ें हैं जो प्लानिंग के तहत हमारी प्लानिंग की जो मीटिंग हुई उसमें भी रखी गई, विधानसभा के पटल पे भी रखी गई। उसको अभी सुचारू रूप से ज़मीन पे उतारना है। समय के साथ आप देखेंगे कि किस तरह से हम काम करेंगे। पहले सड़कें हैं, पानी हैं, इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो टूरिज़्म जो है उसके ऊपर हम इस तरह से काम करना चाहते हैं कि जो टूरिस्ट कसौली आता है वो समय ज़्यादा यहाँ पे व्यतीत कर सके। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहन विचार हो रहा है कि किस तरह से टूरिस्ट यहाँ पे कुछ और समय तक एक्सटेंड करे अपना स्टे। इस तरह की गतिविधियाँ हम सोच रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा है कि लंदन ब्रिज के बारे में हमारा जो एक जाइंट व्हील है उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। बच्चों के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ किस तरह से हो सकती है, युवाओं के लिए किस तरह से यहाँ पे हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो चंडीगढ़ ना होकर कसौली ज़्यादा समय निकालें, और लिटरेरी फेस्टिवल्स पहले होते हुए हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा हिमाचली जो कल्चर है, उनकी जो डांसेस हैं, हमारा जो भोजन है, उस कल्चर के ऊपर भी हम ध्यान देने वाले हैं और जो टूरिस्ट आता है वो उसका आनंद भी ले सके, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं।